अरे यार आज 2 अक्टूबर हमने कुछ तो लगाया नहीं स्टेटस, तो आज गांधी जयंती है, सभी लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें बहुत देर बाद याद आई, याद नहीं आई क्योंकि सुबह 6 बजे से झोला उठा के आ जाते हैं, क्योंकि भूख लगी थी, खाने की पड़ी थी, और हमको ये भी नहीं पता आज 2 अक्टूबर है, इतना काम हो रहा। हेलो हाय गुड मॉर्निंग यूपी सिरवन की गाड़ी ग्राम गुजाड़ी बंदा में पहाड़ी, एक बार फिर से स्वागत है आपका सूरज राव उत्तराखंडी ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग कर रहे हैं हम, तो गाइस आज का ब्लॉग हो रहा है सुबह के 8 बजे ड्यूटी से, हमारा अभी आउटलेट का खाना जा रहा है, उसके बाद क्योंकि हम सुबह 6 बजे आ जाते हैं ड्यूटी, और हमारे नए ब्लॉगर उभरते हुए ब्लॉगर ये है, उभरते हुए ब्लॉगर है हमारे रोहित सिंह चौहान, चौहान है क्या तू, रोहित सिंह तेला, और उधर है जगदीश, और ये है पवन, इसको जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, हर ब्लॉग में आता रहता है ये भी। तो सुबह 6 बजे से ड्यूटी आ जाती है, बहुत तेज की भूख लग रही है हमको, मनोज से ढूंढ रहे हैं इधर बर्तन वर्तन, और इनको जानते हो बाकी आप, ये हमारे CDPP शेफ CDP, और ये अपना आकाश भाई है तंदूर का शेफ है, गलोटी बहुत अच्छा बनाता है, कुछ बनाते हैं खाने के लिए, पहले दिखाते हैं आप सभी लोगों को, और ये हमारा सर्विस बॉय, यह है अतुल ठाकुर, भाई को सपोर्ट करता है ये भी। गाइस मैं आ चुका हूँ अभी ऊपर, चंदन सैब से मिलाते हैं सभी लोगों को, और हमारे चंदन सैब क्या कर रहे हैं, देखो चंदन सैब को देखो, इनको जानो परखो, ये देखो कैसे आटा लगाते हैं, सुबह से लाइट नहीं है, परेशान है बंदे, क्या चाहिए तुमको, सुबह 15 से 20 मिनट हो गए अभी तक लाइट नहीं आई है, तो इनको डो लगाने में बहुत बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पे, जो कि आउटलेट का हमें आटा भेजना है वो टाइम पर नहीं पहुंचेगा, तो वहां से भी कंप्लेन आएगी, तो इनको आउटलेट का लगाना अभी आटा, लाइट चले गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया अभी कंपनी में, नहीं तो लाइट जाती नहीं है, बहुत टाइम बाद जा रही है आज, पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही होगी नीचे, तो अभी मेंटेनेंस वाला भेज दिया है, मेंटेनेंस वाला भेज दिया, अभी लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। चलो हम भी अपने लिए बनाते हैं पराठा, और मनोज शेफ को देखो कौन चला रहे हैं, ये हमारे सीनियर CDP है, और इनसे बारे में जितना कहो जितना तारीफ करूं उतना कम है, ये तारीफ के मोहताज है, कुछ बना लेते हैं यार, भूख लग रही, सुबह 6 बजे से आ जाते हैं हम ड्यूटी, और थोड़ा आउटलेट का पैकिंग भी हो गया, उसके बाद थोड़ा खाना खाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको ड्यूटी लाइफ कैसी होती है होटल की, बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ, जो ब्लॉग में नए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करो, दिल ठोक के करो यार, क्योंकि कहाँ मिलता है ऐसा बंदा यार, कहीं नहीं मिलेगा, बाकी वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो गाइस पराठे की तैयारी हो रही है, अभी आलू मैश करना है मेरे को, थोड़ा थोड़ा आलू का पराठा बनता है, भूख लग रही बहुत तेज, और ये हमारे धर्मदा है, इनसे मिले बेकरी के शेफ है, अच्छा केक बनाता है, किसी भी बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी कुछ भी हो इनको कॉन्टेक्ट दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो इनको समझ रहे हो ना, ये सूरज भाई का पराठा बन रहा है, तो इनकी रेसिपी को थोड़ा फॉलो करें, होम मेड रेसिपी है, और हमारे मनोज शेफ है, ये है मिंटो वाली रेसिपी, मनोज शेफ है CDP है, लेकिन अभी तक इनसे क्या बोलते हैं ग्रीन चिल्ली चॉप नहीं हो रही, मैंने इसको चीज कर दिया यार, थोड़ा आलू मैश करने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि आलू पराठा मैश नहीं होगा तो अच्छी तरह पराठा फट जाएगा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद खाना अच्छा नहीं, बाकी धर्मदा है ही होममेड रेसिपी। तो गाइस मैं आप सबको एक राज की बात, तो गाइस आपको मैं रात की बात बता रहा हूँ, जो कोई अच्छा काम करता है ना 10 लोग जलते हैं और 10 लोग पीछे खींचने के सोचते हैं, आलू भी हो गया, मैं पराठा मिक्सर रेडी हो गया, तो गाइस अभी आटा लग गया, ये
और ये पेड़े काट रहे हैं अभी, पेड़े काट रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने अभी स्टफिंग नहीं की है, थोड़ी देर में स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग तुम करोगे ना, जो कि मैं करूंगा तुम खाओगे बस। और ये आज इनके हाथों से हम गर्मा गर्म पराठे खाएंगे सुबह सुबह, चाय बना लेना, और चाय बना लेना। पानी नहीं आ रहा, ये बोल रहे पानी नहीं आ रहा है, इसके साथ बहुत दिक्कत हो रही है हमें यहाँ पे। आज पता नहीं कैसे लाइट गया, और लाइट जाती नहीं है अभी। तो यहाँ पे पवन दा मार, चलो ये तो हो गया पराठा, इस पे हो गया तड़क रहे हैं, तो इस पे हो गया स्टफिंग होगी। और मनोज साहब आज जब से आ रखे हैं तब से घूमने में है, इन्होंने कुछ नहीं कर रखा है। मनोज साहब तो सीढ़ी पे है, क्या बोले, सीनियर आदमी है, नीचे फ्रिज में होगा दूध, उनको बना के देना पड़ेगा मेरे को। मनोज साहब बोल रहे हैं जब तक पराठे नहीं खाएंगे तब तक हम काम पर हाथ नहीं लगाएंगे। तो गाइस इनके लिए गर्मा गर्म हम पराठे बना रहे हैं, तो मनोज साहब को लग रही है अभी भूख, तो इनको कुछ बना के खाना पड़ेगा। सपोर्ट करते हैं इसलिए, ऐसी बात नहीं है, मजाक चलते रहती है हमारा इनके साथ। ये नहीं कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, मिलजुल के रहता है हमेशा, टीम वर्क, जैसा स्टाफ होना चाहिए वैसा स्टाफ है हमारा। थोड़ा सुबह भूख लग जाती है ना, क्योंकि 6 बजे आ जाते हैं हम रूम से, सीधे नहा धो के सीधे आ जाते हैं झोला उठा के, और उसके बाद यही काम होता है। मनोज साहब को बुलाएंगे, मनोज साहब क्या, मनोज साहब अपने दो साल से यहाँ पे जनता को बताइए कि आप बिगर पराठे का भोग नहीं लगाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो आइए मनोज साहब अपने बारे में दो शब्द यहाँ पे बताइए, कुछ तो मोटिवेशनल करो यार यहाँ। अरे ये बताओ लाइटर वाइटर है किसी के पास, वहाँ से लिया। ये पवन दा को अभी आग नहीं मिली, ये आग लगाने के चक्कर में है। तो गैस मेरे पराठे हो गए रेडी, अभी तक इनको लाइटर नहीं मिल रहा, आग नहीं चल रही इनसे गैस, अब मैं क्या करूँ, अब खाली भेजने के, खाली गोली बना रहा बस, मतलब क्या करूं मैं, पहले बना के भर देता ना एक बार, बना के साइड करो ना। मनोज साहब को काफी तेज भूख लगती थी, अभी भीड़ लग जाएगी, मनोज साहब आओ ना जल्दी, तो बेलन निकालो, बेलन तो निकालो सर। देखो मनोज साहब को खाना भी चाहिए, पराठा भी चाहिए, दही भी चाहिए, और उसके बाद काम भी नहीं करना चाहिए। अब क्या बोलूं मैं इनसे यार, मेरे से छोटे होते मैं रगड़ देता भी था, अब क्या करें, सीनियर पर्सन है ना, इतना मजाक तो चलती है हमारी। 2 बजे बोलेंगे हम चल रहे हैं, और 2 बजे बोलेंगे मैं झोला उठा रहा हूँ भाई, मेरी बस की नहीं है, तबियत खराब हो गई। क्या बोले ऐसे बन रही, कौन तुम, इसको स्टाफ वाले को पेल के आ गया या दूध यहाँ कम पड़ रहा है, इसको ले जा रहा पूरा, वो नीचे से भी ले जा रहा है, कितना दूध ले जाते हैं लोग। और आजकल 20 लीटर दूध में से 1 लीटर दूध नहीं बच रहा है, ये नहीं पता मेरे को कहाँ जा रहा है, लेकिन 12 लीटर हमारा ऑलरेडी जाता है, 2 लीटर सुबह चाय बन जाती है, 1 लीटर सुबह रात के भाई, तू दूध लेता ना कम कम लिया कर यार। अरे यार आज 2 अक्टूबर हमने कुछ तो बनाया नहीं स्टेटस, तो आज गाड़ी जयंती, आप सभी लोगों को गाड़ी जयंती बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमें बहुत देर बाद याद आई, हमको याद नहीं आई क्योंकि सुबह 6 बजे से झोला उठा के आ जाने पड़ी थी, भूख लगी थी, खाने की पड़ी थी, और हमको ये भी नहीं पता आज 2 अक्टूबर है, इतना काम हो रहा है, काम वाम लीन पड़े अभी अभी बताए मनोज साहब ने यार, सीनियर क्या होता है, मतलब फोन में घुसे पड़े तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाया हुआ किसी ने, नहीं तो इनको भी क्या पता, इनको भी कुछ नहीं पता, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं। नहीं पानी नहीं आ रहा, लड़ है तो पानी कहाँ से आएगा। गाइस हमारा भी हो गया, डोल लग गया, पराठा भी हो गया रेडी, और उसको बेलना है मेरे को थोड़ा, तो गाइस पराठे बेल रहा हूँ, ये अपना बेलन, तो इससे बेलना पड़ेगा। तुम्हें आओगे भाई साहब फिर मत बोलना मेरे से, लो लगाओ ना, ओ मैं तवा तो लगाओ, लगा तो रखा हूँ, आप कितना बार लगा रहे हो, तवा लगा रखा है, भट्टी पे लगा देंगे पराठा, ये यार तुम पराठे क्या, तेल डाल छोड़ बटर का, सुबह थोड़ा नाश्ता ठीक हो जाता था, पूरा दिन सही होता भाई, यहाँ भूख लगती है, फिर मनोज सब की वजह से बना रहा हूँ मैं, नहीं तो कहाँ बना रहा हूँ, मजाक नहीं करना, चले जाऊंगा अभी, हाँ चले जाऊँ, हाँ आप खा पी के बना दिया ना, अब चले जाओ, बोलो सेक तो हम लिख दिया यार, बदनाम नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा, फिर प्यार है प्यार, ये होती है बदनामी, बदनामी क्या है इसको बोल। तो गाइस हमारे पराठे बिल चुके हैं, अभी सब रेडी हो गया, बस बनते हैं, उसके बाद खाते हैं, पहले कभी नहीं खाता,
ये देखो कुछ इस तरह का पराठा बन रहा, भी पतले पतले पराठे हैं, ये भी कम पड़ जाएंगे, अभी खाने के टाइम में भीड़ लग जाएगी यहाँ पे। चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं सभी लोगों को, वीडियो को बने रहना। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट, अब हमको थोड़ा काम करना है क्योंकि हम ऑन ड्यूटी है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, जिसको भी वीडियो पसंद आए वीडियो देखना नहीं सोच रही, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।